हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ है, यहाँ पे इसका हल आप सभी को बताते हैं। देखिए, जो आपका पेपर का कोड है 801HG है, तो इसका यहाँ पे आप सभी को हल बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का और संपूर्ण जो आपका पूर्णांक था 70 नंबर का था। यहाँ पे आप सभी को ये पेपर के बारे में आप सभी जानते होंगे। चलिए सीधे आपको प्रश्न हल कराते हैं और सभी प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला नंबर का जो सवाल था, जो खंड अ जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया था, आपका पहला नंबर का सवाल था कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आपके सामने था। तो वैदेही वनवास के जो रचनाकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही आपका था। अगला देखिए, प्रयोगवाद के कवि कौन हैं। तो आप सभी को बताए थे कि प्रयोगवाद के कवि कौन माने जाते हैं, तो ये है आपके अज्ञेय जी। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही है कि प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं। अगला, भाव विलास के रचनाकार कौन हैं। तो भाव विलास के जो रचनाकार आपके हैं देव जी हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का, कि छत्रसाल दशक के किनकी रचना है। यानी आपको चौथे प्रश्न का आंसर बताना था कि जो छत्रसाल दशक है, ठीक है, इसका किनकी रचना है। तो ये आपके भूषण जी की है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पाँचवा नंबर का देखिए, काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं ये है आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छठवां नंबर का, कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये प्रश्न आपको कई बार कराए थे आप सभी को कि नीर का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है। तो ये एक आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, सातवां नंबर का, कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है। आपका शुक्ल युग के लेखक जो बताना है तो कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। ये शुक्ल युग के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवां का सी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आठवां नंबर का जो सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना था। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, तो ये गलत कथन है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये भी गलत कथन है। जबकि क्या भूलूँ क्या याद करूँ निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है, तो ये भी कथन आपका गलत है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला देखिए, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु जो है एक प्रकार का उपन्यास है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही था। अगला प्रश्न देखिए, दसवां नंबर का, कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। आपको बताना था कि जो बाण भट्ट थे, ये जो आत्मकथा है इसके रचनाकार कौन थे। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, आपका प्रश्न है कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के टोटल कितने अंग होते हैं, तो रस के टोटल 4 अंग होते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही था, कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के टोटल 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार आपको बताना था। यहाँ पे आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो अलंकार है आपका रूपक अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, तो 12 का आपका बी वाला सही था। अगला देखिए, आपका प्रश्न था, यह प्रश्न आपको कई बार कराया गया था, कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं। तो सोरठा के जो पहला चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती है। तो इसका सही जवाब क्या था, ए वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या था, 14 नंबर का, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी कि निर्दय में, ये निर्दय देखिए अभी रात को ही क्वेश्चन कराए थे कि निर्दय में उपसर्ग बताना था। तो यहाँ पे जो निर्दय में उपसर्ग है आपका निर होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन था। इसमें और इन दोनों में आपको अंतर भी बताए थे कि आपको छोटे मात्रा वाला जो रहेगा वही आप लगाइएगा, बड़ी मात्रा वाला मत लगा दीजिएगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही था आपका। आप 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कि नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में आपको समास बताना था। तो देखिए, ये नील गाय में जो समास आपका था ये है कर्मधारय समास, यानी कि नीला है गाय
जिस जो यानी कि नीला है गाय जो, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो देखिए इसका सही जो 15 का ए वाला ऑप्शन सही था कि नील गाय में जो समास था कर्मधारय समास था। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का कि खेत का तत्सम रूप आपको बताना था कि खेत का तत्सम, ठीक है, तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप बताना था। आप सभी को ये प्रश्न का आंसर तो तब आ रहा होगा कि खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसका सही जब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है कि खेत का तत्सम जो होता है क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का कि युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप बताना था। यहाँ पे ध्यान दे कि इसको बताना था आपको कि पंचमी विभक्ति में बताना था और कौन सा रूप बताना था, बहुवचन का रूप बताना था। देखिए युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति और बहुवचन का जो रूप होता है वो होता है युष्मत होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, युष्मत। अगला प्रश्न आपका था 18 नंबर का कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में देखिए आपको यहाँ भाव की प्रधानता होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में भाव नहीं है। तो आपका जिसमें भाव की प्रधानता, ठीक है, या क्रिया की प्रधानता जिसमें होती है वही क्या कहलाता है, भाववाच्य। भाववाच्य में उसकी प्रधानता, देखिए भाववाच्य में भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता होती है। यहाँ ऑप्शन में देखिए तो यहाँ क्रिया की प्रधानता दी है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य के आपको बताना था कि जो वाक्य होता है उसके कितने तत्व माने जाते हैं। तो वाक्य के दो तत्व माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही था आपका। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर का, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अविकारी पद को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो 20 प्रश्न का जो सही जवाब था आपका बी वाला ऑप्शन सही था कि अविकारी पद का जो अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा पेपर था और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आपके थे। और इसके अलावा आप चलिए दीर्घ उत्तर प्रश्नों को बता देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी रात को ही ये क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे, बोले थे कि कुसंग के ज्वार जो मित्रता नामक चैप्टर से दिया गया इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तीन दोनों पाठों में से एक तो आपको करना था तो एक मिला था आपको, रात को कराया था ये क्वेश्चन। और देखिए इसके अलावा पद में से आपको ये बार बार राड़ा वाला करा रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि राड़ा राड़ा शब्द मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक से इसको पहचान सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। इधर देखिए आपको वाराणसी नामक चैप्टर को बार बार कराया गया था कि वाराणसी, अब पाठ का नाम देखते ही अब पहचान लीजिएगा। ये पूरा क्या था आपका पेपर था। तो एक बार पेपर को पूरा देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए पेपर था। आप लोग पेपर दे के आए तो सभी पेपर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे अभी रात को, देखिए सूरदास का जीवन परिचय आप सभी को याद करा के भेजे थे कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके साथ में आप सभी को जयशंकर प्रसाद का बार बार बताया जा रहा था कि जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन फंसा है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत के कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सब समाप्त हो गए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करा के भेजे थे, क्या था आपके मित्र से संबंधित, आपको रात को ही क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन कराया गया था आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा है, सिर्फ बहुविकल्पी में कुछ क्वेश्चन जो है नहीं कराया गया था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जितने भी पेपर कराए गए थे उसी पेपरों में से आया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।